हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सोया मसाला टिक्का बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगता है और आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है सोया मसाला टिक्का। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है घर में सोया मसाला टिक्का। सोया मलाई टिक्का बनाने के लिए मैंने ली है ये सोया चाम्प। सबसे पहले मैंने इस चाम्प को गर्म पानी के अंदर 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, तो ये सॉफ्ट हो गई हैं। और बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर से ये स्टिक्स निकाल दी हैं और इसको इस तरह से कट कर दिया है। और ये हमने आधा कटोरी लिया है, आधा कटोरी से थोड़ा कम ही है, फ्रेश क्रीम ली है, अमूल फ्रेश क्रीम, आप चाहें तो मलाई भी ले सकते हैं। और ये हमने प्याज काट लिए हैं, लहसुन अदरक ग्रेट कर लिया है, ये है गरम मसाला, नमक और टमाटर की प्यूरी है, ये है चिल्ली पाउडर है ये, बट ये ज्यादा तीखा नहीं होता, देगी मिर्च, ये कलर के लिए है, ये रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और ये है जीरा, और ये तेल बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे रख लेते हैं और फ्लेम हमने हाई कर दी है। इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, तेल को गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम एक पिंच नमक डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा हमने जीरा डालना, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हम डाल देंगे प्याज, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप देख रहे हैं प्याज हमारे भुनने जा चुके हैं और फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी पैन को हमने दोबारा गैस पे रख लिया है, आप चाहें तो पैन दूसरा भी ले सकते हैं, बट मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दें। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक ये जो हमारा प्याज है ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने पे ही हमने इसको ग्राइंड करना। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो चाम हमने काट कर रखे है, इसे हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का हमने भूनना है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का जैसे सोया चंक्स को हम फ्राई करते हैं उसी तरह से हमने इसको फ्राई किया है। वापिस इसको हम उसी बाउल पे डाल देंगे और इसी पैन को हम दोबारा यूज कर लेंगे। ये प्याज जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे हम अब ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, जो प्याज और लहसुन का मसाला था, तो अब हम इसे पैन में दोबारा से पकाएंगे। तेल हम बिल्कुल हल्का सा डालेंगे क्योंकि पहले भी प्याज के अंदर हमने तेल डाला हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हमने ग्राइंड किए हैं, ऑलरेडी ये प्याज भुने हुए हैं इसलिए इसको ज़्यादा नहीं भूनना पड़ेगा। फ्लेम हमने लो कर दी है, 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि ये सारा साफ हो जाए। आप चाहें तो आप डायरेक्ट प्याज को ग्राइंड करके भी भून सकते हैं, बट इस तरह जब हम प्याज भून के ग्राइंड करते हैं तो ये मसाला जल्दी पक जाता है और इसका कच्चापन जो है बिल्कुल नहीं रहता और इसे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आप देख रहे हैं कि प्याज का मसाला जो है अच्छे से कुक हो गया है, इकट्ठा हो रहा है ये। इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी, अब इसमें डालेंगे हम देगी मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि हमने थोड़ा सा कलर इसको देना है। हरी मिर्च हमने नहीं डाली, थोड़ी सी हम लाल मिर्च डाल देंगे, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर करीब 1 चम्मच, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं थोड़ी ही बना के दिखा रही हूँ आपको। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला और नमक, इसे हम 1 मिनट के लिए टमाटरों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। हल्का सा हम इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे, मसाला जो है पूरे से भुना जा चुका है, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के हल्की हल्की इसको हिला लेंगे हल्के हाथों से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चाम्प, हमने इतना पानी डाला है कि चाम्प जो है पूरे मसाले के अंदर अच्छे से कोट हो जाए। लो फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, इसे हम देखते हैं खोल के, आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से टिक्का जो है वो तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मलाई, मैंने फ्रेश क्रीम डाली है
आप चाहें तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे कसूरी मेथी खुशबू के लिए। ये हमारा सोया मलाई टिक्का बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ ये। ये हमारा सोया मलाई टिक्का बनकर तैयार है। आपने देखा ही है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे हम दूसरी सब्जी बनाते हैं उसी हिसाब से ये बनता है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।